नमस्ते सारा अरुणाचल का जनता और मीडिया पार्टनर, आप लोग आज यहाँ तक पहुँचा है, थैंक यू। और हम सबका हम लोग का जो आवाज़ है उसको हमारा अरुणाचल जनता तक पहुँचने के लिए आप लोग का टोरो से, तो आप लोग यहाँ आने के लिए धन्यवाद। उसके बाद में थोड़ा बात बताना चाहूँगा, हम जो हमारा जो नारी आवाज़ की टीम जनरल सेक्रेटरी और एजेस तो बीमार है, वो नहीं आया है, जो बाकी सब लोग आया है, तो आके हम लोग आज ये लोग हम लोग को एक अपील किया था कि हमारा नारी आवाज़ का टीम को थोड़ा साथ देने के लिए ना, तो ये लोग 9 डेज से बैठ रहे, बोला 9 दिन हो गया, आज 9 डेज हो गया, अभी बैठ रहे हैं। लेकिन हम उस दिन भी बीच में आया था साथ दिया था, उसके बाद आज हम लोग ने सोचा, उन लोग ने हम लोग को इतना भरोसा कर रहे, तो हम लोग उनका आवाज़ बन के हम लोग थोड़ा सा हम लोग उन लोग का डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हम लोग IGP को मिलने गया था, ऑफिस गया था, IGP ऑफिस में गया था, मिलने गया था, तो लेकिन IG नहीं है, वो बाहर ऑटो पे स्टेशन में है, वो अभी आएगा नहीं है, बोला है। हम लोग चौकुआपा शहर से हम लोग मिला है, इनसे मिला, उनको कागज़ हम लोग सबमिट किया है, हम लोग IG से सबमिट किया, और चूँकि अपा सर हम लोग को अच्छा से ब्रीफिंग किया, क्या होने वाला है कल को, क्या हो रहा है, ब्रीफिंग किया है, वो बताया है। अब उन लोग भी बहुत ट्राई किया है, बोल रहे हैं, ट्राई कर रहा है और आगे भी करना चाहेगा, लेकिन उन लोग का पास में हो तो ऐसा बताया उनने। और चूँकि अपा सर ने यही भी बताया है कि उन लोग ने एक पेपर भी ऐसा बनाया था कि यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट में अपील भी किया था कि जितने भी जो पिताजी लोग मर गया और पति मर गया, जो बाकी जो बेटा हुआ, इनके लिए उन लोग ने जो सीनियर बेसिस में उन लोग नौकरी को देने के लिए भी ट्राई किया है, जो सीनियर बेसिस में अगर देने से आपका सीनियर का हिसाब से हो जाएगा, ऐसे सोच के उनने पेपर भी बनाया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं माना। इसकी बाजी से उन लोग का जैसे फॉर एग्जांपल 100 रेशो है, 100 रेशो में से आपका 34 आया है, तो उस 70 को आउट करना है, तो इसी हिसाब से उन लोग ने कंपटीशन हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, वो सब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो रूल बनाया, बोला, तो इसका कारण से उन लोग हेल्प कर नहीं पाया, ऐसा बताया है, तो हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश तो बहुत हम लोग भी करते हैं और दिल हम लोग भी दर्द है, लेकिन कर नहीं पा रहा है तो क्या करेगा। लेकिन उसका रिकमेंड रूल को बदलने के लिए यहाँ का जो अरुणाचल से हमारा अरुणाचल स्टेट से सिर्फ नहीं जाके ऑल इंडिया से करना पड़ेगा, तभी ही रिकमेंड रूल बदलेगा, ऐसा उसने बताया। लेकिन तभी भी हम लोग ने उनको अपील किया है कि जो ऐसा होने पर भी जो सीनियर बेसिस का आपका जो आपने जो प्रोसेस किया था बहुत अच्छा रिजल्ट है, अच्छा था, लेकिन हुआ नहीं है। और हाई जंप लॉन्ग जंप जो तीन चार बच्चा का माँ हो गया, वो तो नहीं कर सकता है ना, तो इसलिए उन लोग को ऐसा नहीं करके आप लोग हम लोग ऐसा बोला है, जितना हम लोग बोला है कि आप अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, इस डिपार्टमेंट में प्योन के लिए भी या कुछ एक के लिए भी सबको डाल दो ना, जो जो अपना कैपेबिलिटी है, इनकी जो पढ़ाई लिखाई को देख के जो अनपढ़ है उन लोग को प्योन में, जैसे पोर्च में हो गया, बहुत गार्बेज साफ करने के लिए होता है, बहुत सारा काम होता है, ऐसे चौकीदार होता है, उन सब के लिए डाल दो, जो लिखा पढ़ा है ऑफिस में डाल दो, ऐसा करके आप लोग करने से बहुत अच्छा रहेगा, हम तो यही अपील किया है। तो हम लोग टीम जाके यही अपील किया है, यही अपील करने से उसने बोला कि अगर हम लोग का बस में होने से कर सकता था, लेकिन वो भी नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है तो क्या करेगा, ऐसा हमको जवाब दिया। लेकिन हम लोग ने बोला है कि नहीं कर सकता है, लेकिन आराम से चाहेगा, स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, करने से अच्छा रहेगा। ये लोग हम ये भी बता दिया है कि ये लोग हंगर स्त्री बैठने जा रहा है और अभी भी चैलेंज लगा रखा है, मैं पत्तों वगैरह सब कुछ चैलेंज लगाने वाला हमने इंक्लूड करके दे दिया है उन लोग को, ऑफिस में दे दिया, तो उन लोग को हम बताया भी है, चूँकि आप सर को यही भी बताया हमने, देखिए ये चैलेंज लगा रखा है ये लोग, और कल को हंगर स्त्री बैठेगा उसका किसी का भी जान जा सकता है, अगर जान जाएगा रिस्पॉन्सिबल किसी कौन लेगा, तो आप लोग जो डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट लेगा ना गवर्नमेंट लेगा, ये तो आप लोग ही जाने। तो उसने बोला है कि उसको कैसे हम लोग क्या करेगा, हम लोग भी चाहता है कि ऐसा ना हो, चाहता है ऐसा ना हो, लेकिन हो रहा है तो क्या करेगा, वो जवाब दिया।
तो ऐसे करके बहुत बातें थे, हम लोग डिस्कस किया और हम लोग तो यही अपील करके आया है कि हमारा नारी आवाज़ टीम ने यही अपील करके आया है कि आप जैसे भी ये लोग को और आगे में धरना प्रोसेस नहीं बैठने के लिए, या वो जो वो लोग जो अभी हंगर इस तरह बैठने जा रहा है वो सब नहीं होने के लिए आप लोग बात करने से ठीक है। तो उन्होंने बोला तुम्हें हम तो कुछ नहीं कर सकता है, तो हम बोला आप कुछ नहीं कर सकता तो आप गवर्नमेंट से बात कीजिए, गवर्नमेंट से तो आपका आप तो गवर्नमेंट से बात कर सकता है। तो उसने भी बोल रहा था आप गवर्नमेंट को अपील कीजिए, तो ठीक है चलो हम लोग भी अपना नारी आवाज़ का टीम का तरफ से हम लोग भी कल परसों अगर समय मिलेगा हम लोग पेमा कांडू सर को भी हम लोग अपील करेगा, उनको भी हम लोग लेटर देने के लिए कोशिश करेगा, उनको मिलने से तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो हम लोग किसी का तरफ से भी उसका ऑफिस में जाके हम लोग सबमिट कर देगा ये लोग का आज का इशू को लेके। हमारा जो एक नारी है तो नारी का हिसाब से हमारा जो टीम नारी आवाज़ की टीम जो जितना हो सकता है कर सकता है हम ये लोग को सपोर्ट करेगा, और हम लोग ये लोग जो जब तक ये लोग का सोल्यूशन नहीं आता है तब तक हम लोग सपोर्ट करेगा, जहाँ जहाँ जाना होगा जहाँ जहाँ बात करना होगा, और जिस प्रोसेस में उन लोग को कल को न्याय मिलेगा तो न्याय मिलने के लिए जो होप है हम लोग कोशिश करेगा और आगे चल के हम लोग भी आगे चल के बात करने करेगा हम लोग ना, जहाँ हमें पेपर वर्क क्या करना है नहीं करना है हम लोग भी उन लोग को मदद करेगा आगे ना, और जब तक उन लोग का न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग मदद करने के लिए हम लोग सोच रहा है अभी ना, हम लोग सोच रहा है। और गवर्नमेंट को हम यही अपील करना चाहेगा पेमा खांडू सर को भी, ये लोग को हंगर इस तरह बैठने का मौका मत दीजिए, कल को किसी का जान भी चला जाएगा आपका ही बदनाम होगा, तो इस बदनाम को नहीं लेने के लिए इनको जल्दी से जल्द शॉर्ट आउट कर देने से अच्छा है। और उन लोग जितना भी नौकरी ऑलरेडी मिल चुका है तो 325 मिल चुका है, अभी 100 कितना पढ़ना कितना में से वो तारती तो एग्जाम दे चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा 70 कुछ बचा होगा, इसको आप शॉर्ट आउट कर देने से अच्छा है। और जो बुरा बुरी हो गया जो चल फिर नहीं पा रहा है इनको तो दारिक के ही मतलब पहले जैसे बोला है कहीं आप रख दो, बहुत पोरिस का भी बहुत सारा ये होता है बागान वगैरह होता है उसमें भी रख दो, और जो सकता है उनको जिसका जैसे कैपेबिलिटी है ऐसा करके सबको सॉर्ट आउट कर देने से ठीक है। और ज़्यादा नहीं है 70 something होगा, 74 75 जैसे ही होगा, अभी कैंडिडेट जो बचा हुआ है जो कोई लोग में हाइट में ये हो गया, हाइट में रिजेक्ट हो गया, कोई लोग को लॉन्ग जंप में रिजेक्ट हो गया, कोई लोग को रनिंग में रिजेक्ट हो गया, तो वो सब के लिए कुछ ना कुछ सोर्स निकाल देने से अच्छा है, हम यही अपील करेगा।